चंद्रास किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें न्यू रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रास किचन। मैं हूं आपकी होस्ट संध्या और आज की रेसिपी है सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली, जो कि घर में आप आसानी से बना सकते हैं। मार्केट जैसी बनेगी और बहुत ही अच्छी बनेगी। आप मार्केट में बना बनाया बैटर भी लेकर के आ सकते हैं, लेकिन इडली का और डोसे का, ढोकले का, सबका सेम बैटर होता है जो कि आप बनाते हैं, पर उससे उतना अच्छा बनता नहीं है। लेकिन अगर आप इसे घर में परफेक्ट क्वांटिटी के साथ बनाएंगे तो इडली आपकी बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत होगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए हैं। इसके लिए हमें चाहिए चावल, जो मैंने 2 कप लिया हुआ है, और इसे 4 से 5 घंटे मैंने भिगो करके ले लिया है, धो करके। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, मैंने बासमती चावल लिया है। 2 कप उड़द की दाल है, ये भी मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो लिया है। ये छिली हुई उड़द की दाल है और इसे भी 4 से 5 घंटे के लिए भिगो करके ले लीजिए। और चावल और दाल दोनों सेम क्वान्टिटी में रहेंगे। नमक 1 छोटा चम्मच या स्वादानुसार। सबसे पहले हम दाल को पीस लेंगे और इसमें पानी की ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा पानी भी हम बीच में डाल लेंगे। ये देखिए दाल पीस करके तैयार हो गई है। इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं क्योंकि ये दाल फंस जाती है, बहुत मोटी रहती है ये। इसे हम फिर एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए दाल अच्छे से पीस चुकी है। उसके बाद में सेम ग्राइंडिंग जार में मैंने सारा चावल ले लिया है, इसे भी हम अच्छे से पीस करके इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए चावल भी अच्छे से पीस गए हैं। अब इन दोनों को साथ में हम मिक्स कर देंगे। इडली हमारी तभी टेस्टी बनती है और अच्छी बनती है जब चावल और दाल सेम क्वांटिटी में हो। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करके इसे हम ढक करके किसी भी गर्म जगह पर रख देंगे। रात भर के लिए आप इसे रखें, तब इसमें अच्छा खमीर उठ जाता है, तो इसे हम ढक देते हैं और इसे रात भर के लिए रख देते हैं। ये रात भर रखने के बाद में देखिए ये अच्छा फूल गया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा पानी हमने ऐड नहीं किया हुआ है, नहीं तो बहुत लिक्विडी हो जाता और अच्छा नहीं बनता। तो ये देख ही सकते हैं काफ़ी थिक पेस्ट है ये। अब मैंने इडली स्टैंड ले लिया है। इडली स्टैंड में हम तेल लगा लेंगे अच्छे से, जिससे कि इडलियां चिपके नहीं। तो जितने भी स्टैंड के जो प्लेट्स हैं उसमें हम तेल लगाने के बाद में बैटर जो हमारा रेडी है उसे हम भर देंगे। तो उसे उतना ही भरें जितना इसे थोड़ा सा फूलने और फैलने का मिले गैप, और इसे अच्छे से डालने के बाद में हम डैप कर देंगे ताकि ये बैटर अच्छे से सेट हो जाए। इसी तरह करके हम सब में भर लेंगे। क्या होता है कि जब भी हम इडली का बैटर बनाते हैं तो उसमें बहुत हमें ये लगता है कि हमारी इडली फ्लफ़ी नहीं बनी है, अच्छी नहीं बनी है। उसमें क्या होता है कि कई बार चावल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, दाल की कम होती है, उससे भी इडली का बैटर और इडली अच्छी नहीं बनती है। इस बैटर से डोसा उतना अच्छा नहीं बनेगा जितने इडली, क्योंकि डोसे का जो बैटर होता है वो जो रहेगा वो उसमें दाल हमारी कम होगी और चावल ज़्यादा होता है। वो भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो स्टैंड में हमें इस तरह से सेट करना है कि इडलियां एक के ऊपर एक ना आए। ये देख सकते हैं कि इडली साइड में ऐसे आ रही है, उससे इडली चिपकती नहीं है और थोड़ा फूलने का भी उसे गैप मिलता है। अब मैंने जो इडली स्टैंड का जो कुकर था उसे मैंने पानी डाल करके गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था, उसमें मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड किया है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए पकने देंगे। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं इडली बन करके तैयार है। इसे आप फॉर्क से या नाइफ़ से भी चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो। तो इसे हम पूरा तरह से ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद निकालेंगे। तो जब ठंडी हो जाएगी, ये देखिए अभी ठंडी होने के बाद में इसे हम निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है ये आसानी से निकल जाती है पूरी तरह, थोड़ी ठंडी हो जाए तो ये आसानी से निकल जाती है। कई बार ठेले में, रेस्टोरेंट में हम देखते हैं इसमें मलमल का कपड़ा लगा करके बनाते हैं, तो आप वैसे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इडली एकदम फ्लफ़ी और बहुत अच्छी बनी है, जालीदार बनी हुई है। इसका मतलब इडली खाने में बहुत ही टेस्टी होगी। तो इडली बन करके तैयार है, इसे आप सांभर चटनी के साथ इंजॉय करें। सांभर और चटनी के लिंक्स भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेक कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय।